अरे आ जाओ भाई आ जाओ, नांग लोई न जाओगढ़ टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ सोदा जा खोदा खरखोदा रोहतक। अरे आ जाओ मात्र 10 रुपए सवारी, अड़की होया बारी शादी शुदा होया कवारी, मात्र 10 रुपए सवारी। आ जाओ बस अड्डा मोरी गेट कहाँ जाओगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ जी बताओ जी। भैया ये बस अड्डे जाएगी? बस अड्डा जाएगी आंटी जी, बैठो चढ़ जाओ। अरे तुमको मैं आंटी दिखती हूँ? दीदी जाएगी, चढ़ो बैठो। दीदी भी नहीं चलेगा। आप एक काम करो अपना आधार कार्ड दो, देखती हूँ मेरे पास है कि नहीं। हाँ है, ये लो। सुषमा जी। सुषमा जी जाएगी, सुषमा जी चढ़ो बैठो। नहीं मुझे नहीं जाना बस अड्डा, ये मेरा पोता है ना, इसका पापा यानी मेरा बेटा आज सुबह टिफिन लेके जाना भूल गया ऑफिस। अच्छा। और उसका ऑफिस वही बस अड्डे पे है, तुम जरा उसको जाते हुए वहाँ पकड़ा देना टिफिन उसका। अरे आंटी क्या दिमाग घुटनों में है क्या, बड़ी गजब हो रहा तो यार, ये आपको टिफिन सर्विस वाली गाड़ी दिख रही है, है? ये बस है यार, मैं इस बस का कंडक्टर। अरे पकड़ो अपना आधार कार्ड और निकलो चलो। अरे ये क्या बात हुई? अरे यही बात है, निकलो बस जा रही है, उसे छोड़ देता। आओ आओ। अरे भाई साहब ये बस कहाँ जाएगी? भाई आपको कहाँ जाना है? भाई मेरे को अपनी ससुराल जाना है। अरे भाई मेरे को क्या पता तेरे ससुराल जाएगी नहीं जाएगी, मैं तेरा ससुरा हूँ। अरे यार मेरे को ससुराल छोड़ देना। कौन से गांव का है? मैं भैया सुन देगा। लाग गया था बेरा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे मैडम चलो आपको तो घर तक छोड़ देंगे हम। हाँ भाई। अरे भैया ये लास्ट बस कहाँ तक जाएगी? अरे तू बैठ जा तेरे को लास्ट पहुँचा देंगे। गुड़गांव जाएगी क्या? हाँ जाएगी चल। भादुरगढ़ जाएगी? हाँ जाएगी चल चल बैठ। चल भाई ड्राइवर 100 की स्पीड में गाड़ी लगा दे। ताई कौन सी कंपनी में लग रहे हो आप? मैं तो किसी कंपनी में नहीं लगी। ताई ये फिर इनाम कहाँ से ले रहे हो? तो कंपनी वाले देते ना। अरे ये तो मैं शादी में जा रही हूँ ना, तो वहाँ पर देने के लिए तोहफा खरीदा है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ। ताई वैसे आपने टिकट ले ली? हाँ वो भी दो 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 दो। वो क्यों बोला? अरे एक खो जाएगी तो दूसरी काम आ जाएगी। अच्छा और दोनों खोगी तो पास भी है मेरे पास। चालाक हाँ। चालाक ब्रो। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। हाँ भाई टिकट बोलो। टिकट टिकट है। अबे टिकट बोल। टिकट है। अबे तू पागल वागल है क्या? यहाँ पे क्या कपिल शर्मा का कॉमेडी का शो चल रहा है? पागल है तू? अबे तूने तो बोला टिकट बोलने के लिए, जब टिकट बोल दिया तो पागल हो रहा है? ज्यादा ना तेज मत बन के दिखा, ये हाथ पकड़ इसको जेब में डाल और पैसे निकाल टिकट के। अच्छा पैसे ये बोलना फिर। तेज बन के दिखा रहा है ताई, बड़ा बदतमीज कंडक्टर है। हाँ बेटा टिकट बोल टिकट। हाँ भैया 5 वाली टिकट दे दो। 5 रुपए की? बेटा कौन से जमाने में जी रहे हो, 5 की टिकट नहीं आती, अब 20 रुपए लगेंगे। अरे भैया अभी तो मैं बच्चा हूँ ना, मेरे तो आधी टिकट लगेगी, अभी तो मेरे दाढ़ी भी नहीं आई। अब दाढ़ी तो तेरे बाप की भी नहीं आई होगी, तो क्या तेरे बाप की भी आधी टिकट लगेगी? है 20 रुपए निकाल बेटा, ज्यादा मस्खरी मत कर मेरे साथ। हाँ जी मैडम जी। हाँ भैया एक टिकट। कितने पैसे? अरे पैसे पैसे आप मेरे से ले लो, ये लो 50 रुपए, आप 100 रुपए भी रखो, आते रहा करो मैडम जी, मन लगा रहता है। हाँ भाई टिकट। सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कितने साल का भाई? 65 का। चालीस। इब 20 का। हाँ अब आए ना लाइन पे, ला फिर टिकट के पैसे निकाल दे अब चुपचाप। सीनियर सिटीजन। हाँ भाई टिकट बोल टिकट। कौन है? टिकट है। स्टाफ है। चल किस चीज का स्टाफ है? है कहाँ का सरपंच है भाई तू? उरया खट्टर ने जाने है। मनोहर लाल खट्टर? हाँ जानू वो, मने न जानता। अबे तू पागल वागल है क्या, फिर किस चीज का स्टाफ है? पैसे निकाल टिकट के। अरे एनबीयू एनबीयू बेरा है। एनबीयू? एनबीयू का प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट? अच्छा एनबीयू का प्रेसिडेंट। भाई एमबीबीएस भी सुना है, आईपीएस भी सुना है, डीपीएस भी सुना है, डीएसपी भी सुना है, लेकिन ये एनबीयू कभी नहीं सुना। एनबीयू
नेशनल बेरोजगार यूनियन। अरे उसका प्रेसिडेंट हूँ। मेरी सासु के तू उतर बाहर निकल। अरे जस्ट किडिंग यार। कितने की है टिकट? 20 रुपए। 20 रुपए? 50 ले तू चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ जी मैडम जी टिकट बोलो। लेडीज सीट। तेरी आवाज तो लेडीज वाली नहीं लग रही लेकिन शक्ल दिखाइए जरा। अरे ये क्या है? टिकट के पैसे। अरे अब तू हमसे भी टिकट लेगा क्या? हमारे जहाज में टिकट नहीं लगती है, तू बस में टिकट ले रहा है। ठीक है जी आप सफर के मजे लो। लुच्चा चल आगे। अबे यार ये सुबह सुबह क्या अजूबा चढ़ गया या मतलब चढ़ गई पता ही नहीं। सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। फ्लाइट में फ्री में जाती है मैडम। मेहरबान कदरदान लेके आया हूँ स्पेशल चूरन। जी हाँ भाई और उनकी लुगाइयों, चूरन एक लेकिन काम अनेक। सुबह पेट ना होता हो साफ, मुंह से आती हो बास, या फिर लुगाई ना आती हो आपके पास, तो ये चूरन करेगा सारे रोगों का सत्यानाश। स्पेशल चूरन मात्र 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। तो जिस भी भाई को चाहिए एक बार अपनी सीट से हाथ उठा दो। अरे कोई माई का लाल नहीं है जो मेरे स्पेशल चूरन को खरीद सके। ओ भैया। हाँ जी भाई बताओ आपको चाहिए चूरन? अभी आता हूँ। अबे तुम्हें नहीं बोल रहे बे बैल बुद्धि, ड्राइवर से पूछो हमारा स्टॉप कब आएगा। जी हाँ भाइयों बहनों, आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल नोरा फतेही बाम। ये करेगी आपके हर दर्द का नाश। ये बाम झंडू बाम की तरह बिल्कुल नहीं है, ये बाम नवरत्न तेल की तरह भी बिल्कुल नहीं है। ये बाम हम लेके आए हैं स्पेशल हिमाचल प्रदेश की जड़ी बूटियों से बनाकर। मात्र 50 रुपए में गायब होंगे आपके सारे दर्द। वो दर्द चाहे आपके करियर का हो या आपके घर वालों के तानों का, चाहे फिर वो आपके गर्लफ्रेंड के नखरों का हो या फिर आपके दिल टूटने का दर्द हो, सारे दर्द का इलाज है ये बाम। A to Z, Z to A, हमारी नोरा फतेही स्पेशल बाम। हाँ जी मैडम बाम चाहिए? बाम बेटा बाम तो नहीं चाहिए, 2000 का छुट्टा कर दो अगर है तो। हाँ जी भाई साहब बाम चाहिए बाम, मात्र 50 रुपए। वैसे भी दिल टूटे आशिक लगते हो, आपका दर्द गायब कर देगी हमारी नोरा फतेही बाम। भाई साहब बाम तो मैं आपका ले लूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। देखो आप चाहो तो इसकी EMI करवा दो, नहीं तो पैसे मैं कल दे दूंगा। मैं चलता हूँ अभी बाय। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ कटेगा आपका। एक्सक्यूज मी। अरे मैडम ये एक्सक्यूज मी विस्क्यूज मी छोड़ो ना, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान दो, आपका कटेगा। ओ भाई साहब प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, आपको पता नहीं है क्या? प्राइवेसी? हाँ भाई साहब। अरे मैडम पहली बात तो ये भैया और भाई साहब ना आप इसको बोलो, ये लड़का आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज आपको मिस यू बोल रहा है, कल किसी और को लव यू बोलेगा। हैं क्या कर रहे हो? ये इस जैसे लड़के ना बिल्कुल नोबिता की तरह होते हैं लेकिन पैसे सुनियों की तरह फूकते हैं, और आप जैसी भोली भाली सुंदर सुजुका जैसी लड़कियों को फंसा लेते हैं। अच्छा? ओ भैया मेरा वाला ना अलग है और वैसे भी। अरे मैडम सुनो मेरी बात, ये सब ना दोगलापन है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बात तो ये कि तुम मुझे होते कौन हो ये बताने वाले कि कोई लड़का मेरे लिए ठीक है या नहीं, और दूसरी बात कि ये मेरा भाई है, कनाडा में रहता है, इसलिए मेरे को मिस यू बोल रहा है। तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हो, लड़की देखी नहीं कि मैडम ये मैडम वो करने लगते हो, चुपचाप से ना बैठा रहे आराम से, वरना ऐसा चाटा मारूंगी कि पूरा खानदान याद आ जाएगा। बदतमीज। अच्छा मैडम वो आपकी कोई दोस्त वगैरह है क्या? अरे एक्सक्यूज मी दीदी। अरे दीदी वो बाईपास आ गया क्या? बाईपास? हाँ बाईपास। वो क्या होता है? अरे वो भाई भाई वो बाईपास आ गया क्या? अरे भाई मुझे नहीं पता, मैं खुद यहाँ पे नया हूँ।
ओ आंटी जी। कौन आंटी, किसकी आंटी, कहाँ की आंटी? अरे वो बाईपास कब आएगा? अरे बाईपास आ जाएगा भाई, क्या जल्दी मची है तेरे को? अरे भैया, ओ भैया। हाँ? अरे भैया वो बाईपास आ गया क्या? पैसे वैसे नहीं है भैया, आगे जाओ। यार वो कंडक्टर भैया, अब आप ही बता दो ये बाईपास कब आएगा? अबे बाईपास से फांसी खाया गया, बस में पहले सवारी कम है, चल बैठ जा। आ जाते हैं कहीं कहीं से। अरे ड्राइवर भैया, अब आप ही बता दो ये बाईपास कब आएगा? अब ये ड्राइवर का दिमाग खाएगा। अबे ओए, तेरे को पता हूँ बाईपास आया कि नहीं आएगा? यहाँ देख वहां देख, तेरे को तेरा बाईपास दिख जाए ना तो हमको भी बता दियो। दिख मत जाइए ना, भागे से। भाई तू टिकट ले आया ना, मैं लेके आता हूँ अभी। अबे बैठ जा। क्या टिकट? स्टाफ है स्टाफ। अबे भाई अगर चेकिंग वगैरह हो गई ना, वो टीटी ने अगर टिकट चेक कर ली, खामखा का फाइन लगा देगा यार। प्लीज मैं लेके आता हूँ। बैठ जा, तेरे को बोल दिया ना स्टाफ चलता है, टिकट लाएगा। अबे भाई ये क्या कर रहा है, हाथ को अंदर कर ले, चोट वोट लग जाएगी भाई। अबे ले, कुछ हुआ? मैं नहीं डरता किसी से, देख। अच्छा, और तू हाथ की बात कर रहा है, तू कहे तो पैर भी निकालता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं 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 भाई, चोट लग जाएगी, इसको अंदर कर ले प्लीज। अबे कुछ नहीं होता यार, जिंदगी में मजे होने जरूरी है, और तू पैर भी छोड़ यार, तू बोले तो बस पे ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे भाई प्लीज यार, चोट लग जाएगी, बैठ जाना आराम से, थोड़ा सा सफर बचा है। चल तू कह रहा है तो नहीं चढ़ता हूँ बस पे। हाँ भाई आराम से। अबे आराम वराम में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में ना एडवेंचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवेंचर। अबो तुमने कहीं अड़का देखने लग रहा, कभी हाथ बाहर निकाल रहे, कभी पैर बाहर निकाल रहे हो, सर्कस में भर्ती हो गए हैं? अरे क्या हो गया, कौन है तू? अबे बस का कंडक्टर हूँ मैं, कई देर से देख रहा हूँ तुम्हें, क्या रोल कर रहे हो? हाँ तो भैया क्या हो गया फिर? क्या हो गया भाई, अबे टिकट दिखा दूँ? स्टाफ चलता है स्टाफ। स्टाफ क्या स्टाफ से? अरे स्टाफ स्टाफ। ऐसा थप्पड़ मारूंगा तेरी पूनी आएगी, मोदी का पीएस हो तू? टिकट ये लो भैया, मेरी टिकट। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। आ पे काले कबूतर, तेरी टिकट है? भाई टिकट। अबे भाई क्या करेगा तू, अपनी टिकट बता। तू खड़ा हो भाई के बच्चे, खड़ा हो। अबे तू चल। अंकल सॉरी अंकल, मैं तो टिकट लेने आ रहा था, इसने झूठ बोला है अंकल। बेबी तुम यहीं रुको, मैं अभी टिकट लेके आया। हाँ, अच्छा पैसे तो लेते जाओ। अरे नहीं बेबी, तुम अपने 10 रुपए बचा के रखो ना यार, हमारी फ्यूचर प्लानिंग में काम आएंगे। नहीं बेबी देखो, हर बार टिकट तुम लेते हो, इस बार पैसे मैं दूंगी। ओके। अच्छा चलो ठीक है। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे ये तो रहा पर्स। अरे ये पर्स नहीं, मैं इस पर्स के अंदर ना एक और छोटा पर्स रखती हूँ, मिनी पर्स, जिसमें पैसे होते हैं, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन मिनी पर्स कैसे गायब हो सकता है यार? बेबी मुझे लगता है ना कि मेरा पर्स चोरी हो गया। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है यार? अच्छा बेटा, चोर चोर मुसेरे भाई, चलो निकालो फटाफट पर्स। अरे भाई साहब कौन सा पर्स? अबे ओ, एक तो लड़कियों का पर्स चुराते हो और ऊपर से मासूम बनने की एक्टिंग करते हो। अरे नहीं मैडम, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया। अरे क्या बात होगी मैडम, क्यों शोर मचा रहे हो?
अरे देखो भाई साहब, इन दोनों लड़कों ने मेरी बेबी का पर्स चुरा लिया। हाँ भैया देखो ना, एक तो चोरी कर ली, ऊपर से मेरा पर्स भी नहीं दे रहे हैं, ना ही मेरे पैसे दे रहे हैं। अच्छा, अबे मेंढक जैसी आंखों वाले। अरे नहीं भैया, हमने कुछ भी नहीं किया। मैडम का पर्स दे। सालो जेब कतरो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे मारो मारो। भैया भैया सच में कुछ नहीं किया भैया। अरे बेटा तू पर्स तो अपना घर पे ही भूल गई, पैसे तो है नहीं तेरे पास। क्या, मेरा पर्स घर पे रह गया? ये आजकल की लड़कियां ना तमाशा ही करती रहती है हर समय। जब मौका मिलेगा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगी। वो भैया वो गलती से मिस्टेक हो गई, मेरा पर्स ना घर पे ही रह गया। सॉरी सॉरी भाई साहब, मैं भी गया। ये लड़का तो सीए कर रहा था और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करता है। सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे भैया सॉरी। अरे बस मैडम बस, गलती ना आपकी नहीं है, कुछ सोचना समझना तो होता नहीं है आप लोगों को। जिस पे शक होता है उसको जेब कतरा बना देते हो। चल भाई हम ना कहीं और चलते हैं, दूसरी बस में चलेंगे। आजा। अरे भाई साहब टिकट तो ले जाओ। आजा भाई आजा आजा जल्दी आ। क्या मैडम आप भी। अरे मेरी चेन कहाँ गई? हाय मेरी चेन गई। अरे यार मेरा फोन कहाँ गया? मेरी घड़ी, घड़ी कहाँ? अरे मेरा तो टिकट का बैग ही गायब है। मारते मारते उल्लू के पट्टों की जेब कब काट दी, उन्हें पता ही नहीं चला। हाँ भाई आज तो मोटी कमाई हो गई। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, तेरे भाई को सारे अंकल जानते हैं नाके पर, जो भी उछले हद से ज्यादा उसके देते चांटे धर, बाकी सबकी 3-2 चल आगे बढ़ आगे बढ़। सो हेलो गाइस, अगर यहाँ तक आ गए हो तो मतलब पूरी वीडियो देख के आए हो, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ पूरी वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट आपको कौन सा लगा, कौन सा सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, क्या चीज आपके साथ हुई है। इतने सारे मैंने आपको सीन दिखाए बस की वीडियो के, तो क्या क्या आपके साथ हुआ या क्या क्या आपने देखा है जल्दी कमेंट करके बताओ। और कुछ और फनी सिनेरियोस जो आपके साथ हुए हुए भी मेरे को कमेंट करके बता दो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करो जल्दी से और शेयर करो वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो फिर शेयर कर दो। तो चलो फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज, लव यू। कमेंट करना कैसी लगी बस की यात्रा। बाय।